अभी जैसे आप शेयर कर रहे हैं पर आप लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ, क्योंकि हमें ये गाइडलाइंस दी गई हैं कि पब्लिक प्लेस पे कभी भी आप मूव करो तो यू हैव टू बी वियर अ मास्क। तो ऑक्सीजन नहीं आती फिर? क्या आपके पास मास्क हैं? हाँ, कार में पड़े। कमल जी रेगुलर शेयर करते हो? हाँ जी, थॉट्स तो तान गया ना जी, आप नैगेटिव लवेंगे। आप नैगेटिव लिया ही नहीं, योगा किया, मेडिटेशन किया, छत सैर की एक डेढ़ घंटा। अज जिवें असीं तुहानूं इत्थे मिले हां पर तुसीं मास्क नहीं पाया। हाँ, मास्क इस करके नहीं पाया, मास्क जेब चा। अगर तुसीं ग्रुप च सैर करोगे तां मास्क पा के करोगे। तुहानूं की लगता पब्लिक पा रही है मास्क? वैसे 60% घुटन जी महसूस होंदी सी अपने अंदर। तुहाडे कोल कहिंदे ऑक्सीजन दा सिलेंडर है, इहनूं भर के जाओ, सारा दिन तुहाडा वधिया निकलेगा। तो आपको लॉकडाउन याद है? हमारे यहाँ पे लॉकडाउन हुआ था, उसका क्या एक्सपीरियंस रहा था? एक्सपीरियंस इन द सेंस, मतलब लॉकडाउन में क्या क्या हमारे साथ हो गया था? हम घरों में कैद हो गए थे और शायद 2-3 महीने घर में ही रहे थे। तो वो क्या रीज़न था, क्यों घर में रहे थे? बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस की क्या आई थी कि क्यों कोरोना वायरस के कारण हमें घर में क्यों रहना पड़ गया था? इन्फेक्शन का डर था। तो अभी जैसे अभी भी आपको पता है कि कोरोना वायरस अभी गया नहीं है, तो हम आज भी यहीं पे हैं, कल भी लुधियाना में जैसे 100 केसेस आ गए, तो आप जैसे खुद आज भी शेयर कर रहे हो, अच्छी चीज़ है, अपने हेल्थ के लिए कॉन्शियस हो, बच्चे भी साथ में हैं, लेकिन आप क्यों नहीं घर के अंदर बैठे? नहीं, मैं तो अभी तो लाइफ वापस रूटीन पे आ रहे हैं, सभी आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं, क्योंकि लाइफ अल्टीमेटली जीनी तो पड़ेगी। Exactly. इसकी वैक्सीनेशन नहीं आई, पर इसके लिए कुछ गाइडलाइंस आई थी। मास्क पहनो, डिस्टेंसिंग। तो अभी जैसे आप शेयर कर रहे हैं पर आप लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ, क्योंकि हमें ये गाइडलाइंस दी गई हैं कि पब्लिक प्लेस पे कभी भी आप मूव करो तो यू हैव टू बी वियर अ मास्क। तो ऑक्सीजन नहीं आती फिर मास्क पहनते वक्त? सर ऐसा है कि हम लोगों ने भी पहना हुआ है, ऑक्सीजन आती है, लेकिन आप आराम से करते हैं तो ऑक्सीजन आती है। एग्जैक्टली, अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो उस टाइम नहीं आएगी। तो क्या आपके पास मास्क हैं? हाँ, कार में पड़े। पर वैसे आपको हम बताएं कि नॉर्मली पब्लिक प्लेस पे जैसे आप मूव करते हैं तो कार में नहीं, उसको बेटर है जेब में रखें, बिकॉज जैसे ही आपने रनिंग बंद करी उसके बाद आप उसको मास्क करो, बिकॉज आप हो, हम सब सोसाइटी में ही रहते हैं, आपके कारण बच्चे भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं, हम भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं, हमारे कारण आप भी हो सकते हो। सो इट्स, हम हमेशा सरकारों को बोलते हैं, हमें ये चाहिए कि खुद भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक कह रहे हैं आप, थैंक यू सर। यू वेलकम। थोड़ा शुभ नाम सर? कमल सूद। कमल जी रेगुलर सैर करते हो? हाँ जी। कोविड करके या उस तो पहला दी करते हो? शुरू 5-6 साल हो गए। अच्छा, रेगुलर, वेरी गुड। हाँ, बड़े पर्टिकुलर हो। हाँ जी। पर जो तो कोविड आ गया सीगा, उदों कितना दा माहौल हो गया सी? आप तुसी अपनी सैर ही नहीं कर पांदे सी और घर छत्ते करदे सी? वेरी गुड। उदों हाँ, भी पूरे कॉन्टिनेंट छत्ते सैर करदे सी? वेरी गुड। इतना ते जिवें छत्ते सैर करदे सी पर घर चो बाहर नहीं निकल सकदे सी, एक बंदा डर गया सीगा कि मैं घर च ही कैद हो गया। जी जी। पर हुण असीं वापस आ गए हैं अपनी लाइफ रूटीन ते आ गए। जी जी। ते किदां हुण फील हो रहा? वधिया। अच्छा लग रहा है घर दे विच बाहर आ गए? पर उदों जदों आपां घर दे विच कैद हो गए सी, उदों किदां दी थॉट्स आनियां शुरू हो गईयां सी दिमाग च? थॉट्स तो तान गया ना जी, आपां नैगेटिव लवांगे। आपां नैगेटिव लिया ही नहीं, योगा किया, मेडिटेशन किया, छत ते सैर की एक डेढ़ घंटा लिता। हाँ जी। पर असी सारा कुछ करके पहले 15-20 दिन 30 दिन तक बड़ा अच्छा रहा, ठीक है, लेकिन जदों 2 महीने तीसरे महीने जदों वड़ना शुरू हो गया सी ते आपां घरां च ही कैद सी, उदों एक वारी की फील आंदी सी कि यार कित्थे फस गए? ओ दुनिया के नाल ही सी, पर फिर भी कोई इन्ना नैगेटिव थॉट्स नहीं आए। कारण की, क्योंकि कारण शुरू तो ही अध्यात्म वाल ध्यान सेगा ते उस पासे लगे रहे, ते कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं आई। उन्होंने कुछ ये कोई गाइडलाइंस दितियां सी कि जे सानू इदा इदा आ करना चाहिए, प्रधानमंत्री साहब ने भी बड़ी बारी टीवी ते कहा सी, की गाइडलाइन सी? वो गाइडलाइन सी भी अपने आप नू बचा के रखना है, भी सोशल डिस्टेंसिंग रखनी आ, फालतू बाहर नहीं जाना, अगर कोई अपना कोई आंदा हैंड सैनिटाइजर करना, आना जाना मास्क पाने आ, ते बस यही सी ज़्यादातर। ते हजे आपां जे गल करिए ते तुहानू याद है कि
शायद तुहानू पता होवे कि कल भी दोबारा कोविड वापस आ रहा है ते कोविड दे लुधियाने शहर च भी कल 100 केस आ गए। जी जी ध्यान च है, मैं सवेरे न्यूज़ देख रहा सी। हाँ जी, ते अज जिवें असीं तुहानू इत्थे मिले हैं पर तुसीं मास्क नहीं पाया। हाँ मास्क इस करके नहीं पाया, मास्क जेब च आ, हार्ट की थोड़ी स्टंट पिया वा, ते ओह की कहिंदे जदों मास्क पा के सैर करदे आ तां साह चढ़दा। मास्क दिखा सकदे हो? हाँ मास्क हैगा, तो जे सा ओ जे हुण जदों कल्ले सैर कर रहे हैं किसी दे नाल सैर नहीं करते, जदों दूरी दे नाल मिला के सैर कर रहे हैं, जदों इत्थों निकलांगे मास्क पा के फिर अपने जावांगे। ते लोकां नू की मैसेज देना चाहुंदे हो? मास्क पाना चाहिए, हैंड सैनिटाइजर करने चाहिए। जिवें इत्थे रोज़ सैर करते हो तुहानू लगता है कि सारी पब्लिक मास्क पा रही है? जदों सैर ते देखो मेरी गल सुनो, हुण तुसीं देखोगे जिन्ने बंदे कल्ले आ रहे ने उन्होंने मास्क नहीं पाया, उह इत्थे गाइडलाइन इही है वी जदों तुसीं सैर कल्ले करोगे तां मास्क नहीं पाओगे, अगर तुसीं ग्रुप च सैर करोगे तां मास्क पा के करोगे। जिथे तक सानू ये पता है कि गाइडलाइनज ये है कि जिदा ही तुसी पब्लिक जेडे प्लेस से जाओगे तो तुहानू मास्क पाया होना चाहिए। पब्लिक प्लेस से उत्थे हल्की सैर करोगे तो तुहानू मास्क की लोड़ नहीं पैंदी। पब्लिक प्लेस से उत्थे जिथे असी इकट्ठे सैर कर रहे हैं, जदों मैं कला कला सैर कर रहा हाँ, मैं कला आ रहा हाँ, कला सैर कर रहा हाँ। गाइडलाइंस थोड़ा जहा शायद फर्क है, हो सकता है साडे नॉलेज च फर्क हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जेड़ा पब्लिक प्लेस ते यू हैव टू वेयर अ मास्क, चाहे तुसी कल्ले हो चाहे हो। हाँ तुसी कल्ले गड्डी दे विच मास्क तो बिना रह सकदे हो? मेरा गड्डी दे विच कल्ले दा भी चलान कीता उन्होंने। अच्छा कल्ले दा मैं गड्डी च जा रहा हाँ, उन्होंने कल्ले दा गड्डी दा भी चलान भी कीता। चलो वो अवेयरनेस हो सकता उत्थे किते कम्युनिकेशन गैप होवे क्योंकि कोविड सीगा ते बहुत सारियां चीजां इधर उधर हो रही सी। पर कल्ले जदों मैं कल्ले सैर कर रहा हाँ, मेरे आले दुआले कोई नहीं है तो उस टाइम मास्क नहीं है। तुहानू की लगता पब्लिक पा रही है मास्क? वैसे 60% 60% ते रेगुलर सैर करते हो सर? रेगुलर सर। किन्ने साल तो? हो गए 3 साल। वेरी गुड। तो जिमें हूँ सर जिमें 3 साल तो आप सैर कर रहे हैं, बिचों एक कोविड का टाइम आ गया से जो तुम सैर ही नहीं कर पा रहे थे, घर लॉक हो गए थे, उदो कि माहौल लगता से? सर एक्चुअली सही गल दसा, बेसिकली मैं हिमाचल तो हाँ। ओके, तो ड्यूरिंग दैट टाइम मैं हिमाचल से। ओके, तो उत्तर वैसे सर इनवायरमेंट बहुत वाइस है। निकलिए पता नहीं दौर जाए फटाफट सब नू इदां ही लग रहा सी, शायद सानू तां इदां ही लग रहा सी तुहाडा। बिल्कुल सर बिल्कुल, मतलब यही लग रहा सी, ईवन के हुण भी जैसे निकलना शुरू हो गए हैं, इस तो पहला भी मतलब ये हुंदा सी, एक देखो जी मॉर्निंग वॉक ते आपां ने एक थोड़ा जिहा मोटिवेशन लैवल बंदे दा वध जांदा है, दिन दी एनर्जी आ जांदी पूरी। ते सियाणे कहिंदे वी हन, कहिंदे जदों तुसीं उरे आंदे हो पार्क विच, हां जी, अपने अंदर तुहाडे कोल कहिंदे ऑक्सीजन दा सिलेंडर है, इहनूं भर के जाओ, सारा दिन तुहाडा वधिया निकलेगा, एक दिन यूज़ कर लो। बिल्कुल। ते उस तो बाद फिर कहिंदे तुसीं अगले दिन फिर आओ इहनूं भर के जाओ। बिल्कुल। ते ड्यूरिंग लॉकडाउन सर मतलब बिल्कुल बह गए सी, सिलेंडर खाली हो गया सी अपना। पिंजरे तो बहर आने लई जिहड़ा सरकार है उन्हें कुछ ना कुछ सानू रिस्ट्रिक्शन दित्तियां कि यह चीज़ां दे नाल बहर आओ नहीं तो सारे ही असीं फस जाएंगे फिर दोबारा। और तुहानू पता होवे तो पूरा यूरोप दोबारा कोविड च चला गया, दिल्ली च 7,000 केस आ गए और लुधियाना च भी 100 केस कल आ गए वापस। हाँ जी हाँ जी पता लग गया। बिल्कुल सर। तो जिवें वह लग्या तो की उदों आपां इक प्रकॉशनस की लैंदे सी जदों कोविड सीगा, सानू की प्रधानमंत्री तो लैके लोकल डॉक्टर तक सानू की कहिंदे सी? ਉਹ ਇਹੀ ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਾਸਕ ਔਰ ਆਪਣੇ। ਪਰ ਸਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਮਾਸਕ ਕੈਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਟ ਦਾ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਜਦੋਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਾਕ ਤੇ ਸਰ ਇਦਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਦੇਖੋ ਸਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਸਕ ਕੈਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਜਦੋਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਾਕ ਆ ਗਏ ਕਿਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਵਿਦ ਡਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈਂਡ ਬੈਗ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਰੀ ਐਗਰੀ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਰੱਖੀਏ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।